मुबारक हो बेटा हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा कभी कुछ तीसरा सुना है आपने? जैसे मुबारक हो आपके घर में इंटरसेक्स पैदा हुआ है। नहीं, क्यों? हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है, तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता? नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत टॉक विद ईशा भाटिया सानन। पिछला वीडियो मैंने जहां खत्म किया था, आज का वीडियो वहीं से शुरू करते हैं और समझते हैं इंटरसेक्स या थर्ड जेंडर को। भ्रूण यानी एम्ब्रियो लड़के या फिर लड़की में कैसे तब्दील होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है। एक्स एक्स क्रोमोसोम बना तो लड़की, और एक्स वाई बना तो लड़का। अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि ये क्रोमोसोम बने कैसे, तो पहले तो ये समझते हैं कि क्रोमोसोम है क्या। हमारा शरीर हजारों लाखों करोड़ों छोटे 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 सेल से मिलकर बना है। हिंदी में इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो एक तरह से सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं धागे जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए, वही डीएनए जिससे हमारे जीन्स बनते हैं। यानी क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। अब जब इतनी डिटेल सुन ली है तो थोड़ा सा और सही। तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स। इनमें से 22 एक जैसे होते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष या कुछ और। 22 जोड़े सब में एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ होता है आखिरी 23rd पेयर में। ये जो आखिरी जोड़ा है ये या तो XX हो सकता है या XY। XX हुआ तो लड़की और XY हुआ तो लड़का। अब लौटते हैं अपने एम्ब्रियो पर, जो कि बना है स्पर्म और एग के मेल से, यानी इसमें दोनों के जीन्स पहुंचे हैं। स्पर्म क्योंकि पुरुष का है तो इसमें पहले से मौजूद है XY, और एग क्योंकि महिला का है तो इसमें मौजूद है XX। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आप खुद ही सोच कर देखिए। पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिला तो बना XX यानी लड़की, और पुरुष का वाई महिला के एक्स से मिला तो बना XY यानी लड़का। मतलब ये हुआ कि लड़का होगा या लड़की ये निर्धारित होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, क्योंकि महिला के पास तो एक्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब आप में से कुछ लोगों ने पिछली बार ये भी पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि वाई ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जी नहीं, साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इस तरह से आप अपनी मर्जी से डिजाइनर बच्चे नहीं बना सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको ऐसी नसीहतें भी दे रहा है कि फलानी कसरत करो तो बेटा होगा या फिर ये चीज खाओ तो बेटी होगी, तो प्लीज इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास ना करें। अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि तीसरा लिंग यानी थर्ड जेंडर कैसे बनता है। ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक ये कि हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, फिर ये कि जननांगों या प्राइवेट पार्ट्स का विकास कैसा हुआ है, इसके बाद हैं क्रोमोसोम्स और फिर हॉर्मोन्स। XY से लड़का और XX से लड़की तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत कुछ मुमकिन है। कई बार शरीर के अंदर अंगों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। हम ये जानते हैं कि महिलाओं के पास ओवरीज और पुरुषों के पास टेस्टिस होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास दोनों हो तो इसे ओवो टेस्टिस कहा जाता है। इसी तरह जननांगों में भी फर्क हो सकता है। हो सकता है कि किसी का क्लिटोरस बहुत बड़ा हो या फिर किसी का लिंग बहुत छोटा। और तो और ये भी मुमकिन है कि क्रोमोसोम के जोड़े की जगह किसी के शरीर में तीन तो किसी के शरीर में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बन पाया हो। और ये भी हो सकता है कि आपके सेल्स और हॉर्मोन्स के बीच में तालमेल ना बन पा रहा हो, या फिर कोई जरूरी हॉर्मोन बन ही ना रहा हो। ये सब थर्ड जेंडर की ओर इशारा करते हैं। अब क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। जब कोई बच्चा इंटरसेक्स के रूप में पैदा होता है तो क्या उसे लड़के या लड़की में तब्दील किया जा सकता है? डॉक्टरों की राय इस पर बंटी हुई है। कई जगह जेनिटल सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर बचपन में ऐसा किया जाए तो बच्चा खुद ये तय करने की हालत में नहीं होता कि वो ऐसा चाहता भी है या नहीं। इस तरह की किसी गड़बड़ के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। और हालांकि हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है, फिर भी
हम इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 1.7% लोग इंटरसेक्स हैं। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि किन्नर क्या होते हैं, तो जवाब है कि कुछ इंटरसेक्स होते हैं और कुछ ट्रांसजेंडर। अक्सर लोग इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को एक ही समझते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनका जन्म लड़के के रूप में हुआ है लेकिन ये महसूस लड़की जैसा करते हैं, या फिर लड़की के रूप में पैदा हुए और महसूस लड़के जैसा करते हैं। ये जिस शरीर में हैं उसमें ट्रैप्ड फील करते हैं और इसलिए सेक्स चेंज सर्जरीज का सहारा लेते हैं। लेकिन इंटरसेक्स की तरह इनके शरीर में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, तभी हम समलैंगिकों को या LGBT समुदाय की दिक्कतों को समझ पाएंगे। सेक्सुअलिटी से हमें आम तौर पर समझ आता है वो अट्रैक्शन जो ऑपोजिट सेक्सेस के बीच में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आकर्षण लड़के और लड़की के बीच ही हो। हो सकता है कि लड़की लड़की की ओर अट्रैक्टेड हो, इसे लेस्बियन कहते हैं। जब कोई लड़का लड़के की ओर अट्रैक्टेड होता है तो उसे गे कहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लड़के और लड़की दोनों की ओर अट्रैक्टेड फील करे, इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। और तो और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कामुकता हो ही नहीं, वो किसी की भी तरफ आकर्षित ना हो, इसे एसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया और इंटरसेक्स का तो पूरे विस्तार में बताया, पर ध्यान रहे कि इंटरसेक्स जेंडर को डिफाइन करता है। सेक्सुअलिटी के लिहाज से ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल कुछ भी हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसे 5-7 मिनट के वीडियो में कवर करना मुश्किल है। लेकिन इस स्पेक्ट्रम में बाकी के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं क्वीयर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अजीब, यानी सामान्य से किसी भी तरह से अजीब इंसान को क्वीयर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये है पूरी लिस्ट LGBTQIA। उम्मीद है मैं आपको फर्क समझा पाई हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर बात करेंगे किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, शर्माते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।